इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, हमने क्या रिडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि हमने क्या किया था, आपका कुछ कुछ कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने उसमें एल्कीन का रिडक्शन पढ़ा है और एल्काइन का रिडक्शन हमने कवर किया था, ठीक है। तो नाउ किसका है आपका, हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे, तो थर्ड हाइड्रोकार्बन है आपका एरोमेटिक रिंग्स का, तो हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो क्या होता है आपका, वो उसके क्या करता है कंप्लीट रिंग को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बेंजीन का करते हैं हम आपका हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सीन में, ठीक है। लाइकवाइज अब दूसरा हम हमने पढ़ना है, इसमें क्या करना है आपका, रिडक्शन पढ़ना है किसके थ्रू, जो आपके क्या होते हैं आपके फर्स्ट एक एलिमेंट है, मतलब सोडियम और अमोनिया के साथ, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिस समय हमने क्या करा था आपका उसका एल्कीन के केस में भी पढ़े हैं और एल्काइन के केस में भी पढ़ा है, तो सेम वही है। जो ब्रिज रिडक्शन होता है उसमें दो हाइड्रोजन ऐड होती है, और कौन सी पोजीशन में होती है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगी तो दूसरी यहाँ पर, तो दैट इज नोन एज 1,4 एडिशन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगी। तो व्हेन बेंजीन रिएक्टेड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो क्या बनता है आपका 1,4 साइक्लो हेक्साडाइन बनता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई, ठीक है। पहले से एक एक हाइड्रोजन होती है, सब पता ही होगा, बेंजीन के C6H6 है, बाद में कितने एच हो जाएंगे, फिर आपके 2H हो जाएंगे, तो ये कौन सा एडिशन होता है फिर आपका 1,4 एडिशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज रिडक्शन, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, उस केस में क्या होता है, देखो होता तो 1,4 ही एडिशन है, लेकिन यहाँ पर एडिशन जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर 1,4 यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, और 1,4 यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी 1,4 है, तो ये आपका जिस समय यहाँ पर और यहाँ पर एडिशन होता है, तो ये क्या होता है आपका मेजर होता है, और ये कैसा होता है आपका माइनर। ये मैकेनिज्म देखना, उसमें आपको साफ क्लियर दिखाई देगा कि जिस समय एडिशन यहाँ पर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो जो बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, तो वो नहीं बन पाता है, इसलिए एडिशन कहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पर वो होता है, ठीक हो गया। सेकेंड इसी का उल्टा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में वहीं पर होता है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर ग्रुप अटैच है, मतलब जैसे CUH इस पॉइंट पर अटैच है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ही एडिशन होगा, 1,4 ही एडिशन होना है, यहाँ पर और यहाँ पर होगा, तो दिख रहा है 1,4, तो यहाँ पर एडिशन होता है, तो ये मेजर बनता है, और ये जो व्याला 1,4 था यहाँ पर और यहाँ पर एडिशन, वो कैसा बनता है आपका, माइनर बनता है। मैकेनिज्म से साफ क्लियर है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कर रहा था, ये जो मैंने दिया था ये इसीलिए दिया था कि ब्रिज रिडक्शन कभी पूछा जाता है तो तुम्हें पूरा करना है, कि ब्रिज रिडक्शन का नॉर्मल रिडक्शन भी करना है बेंजीन का, उसके बाद दिखाना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, तो क्या क्या जो आपके मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करते हैं, ये हम डिटेल में वैसे बात कर चुके हैं, जिस समय हमने NaBH4 को किया, या हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबल को हमने पढ़ा था, उसमें हमने किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कुछ की पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है, तो वो देखते हैं क्या क्या हम करेंगे इसमें। तो हाइड्राइड ट्रांसफर, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट कैसे होता है, जैसे NaBH4 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, डाइबल है, ये कैसे हैं आपके हाइड्राइड ट्रांसफर करने वाले, या आपका BH वो है, बोरोन हाइड्राइड्स हैं, तो ये आपके ऐसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं NaBH4 से, तो ये क्या है आपका माइल्डर रिएजेंट है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप से उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन NaBH4 क्या है माइल्डर रिएजेंट है, कुछ को करता है, फॉर एग्जाम्पल किन को नहीं करता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एजो को, ईस्टर को, साइनाइड को, नाइट्रो को, इनको नहीं करता, यह हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल हो, और कार्बोनिल हो तो किसको करेगा, यह कार्बोनिल को करेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेट को नहीं करेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, ये भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन कैसा है साइक्लिक है, ठीक। तो साइक्लिक होने के केस में क्या होता है आपका 1,4 एडिशन, मतलब एक हाइड्रोजन फाइनली यहाँ पर जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, तो जो ये वाला प्रोडक्ट है 1,2 एडक्ट है वो नहीं बनता है, 1,2 प्रोडक्ट नहीं बनता, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड की किसके साथ यदि सीरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में उल्टा हो जाता है, जहाँ देखो कार्बन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल पे नहीं अटैक हो रहा था, तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल पर होता है और नॉर्मल कार्बोनिल पर नहीं होता है, ठीक। ऐसे NaBH4 CeCl3 के साथ में कि प्रेजेंस में क्या करता है आपका CHO पर नहीं करता, और किस पर करता है कीटोनिक ग्रुप पर अटैक करता है, CHO पर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपका प्रोकायरल कीटोन है, मतलब ऐसा कीटोन है जिसका कि क्या हो जाए यदि किसमें उसका यदि हम क्या कर रहे हैं आपका
रिडक्शन कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, काइरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, तो जो कीटोन है वो क्या कह रहा था, प्रो काइरल कीटोन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या रिएक्शन करने पर, जो खुद तो काइरल नहीं होंगे लेकिन रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को बना सकते हैं, वो कहलाते हैं प्रो काइरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रो काइरल कीटोन C6H5CO CS3, वेन दिस रिएक्ट विद B2H6 बोरॉन हाइड्राइड इट फर्दर फॉलोड बाई द क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट कंपाउंड, तो क्या बनेगा COH, और यहाँ H तो दिख रहा है, कैसा है आपका हेयर C6H5 हेयर CS3OH एंड H, इट मीन्स दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो स्टार्टिंग मटेरियल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट आफ्टर द रिएक्शन ऑफ B2H6 एंड हाइड्रोलिसिस इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, दैट्स वाई दिस इज प्रो काइरल कीटोन, समझ मारा। और ये जो सेंटर कहलाता है कौन सा कार्बन सेंटर, ये जो कि पहले कैसा था ऑप्टिकली इनएक्टिव और बाद में कैसा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, यही तो कार्बन हो रहा है ना, तो ये कहलाता है आपका प्रो काइरल सेंटर भी कहलाता है, ठीक है। तो क्या बनते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं, और किसके थ्रू होता है यदि आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो प्रोलॉग रूल के थ्रू आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लिक होगा तो किसके थ्रू होगा, क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीरविन पेनरॉफ वर्लेज रिडक्शन, ये क्या करता है आपका, ये एक मेथड है किसको कन्वर्ट करने की, ये भी CHO को किस में कन्वर्ट करता है, CHOH में, एल्डिहाइड को CHOH में, और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। और इसके लिए क्या रिएजेंट होता है, आपने BSc में पढ़ाई होगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, इसका क्या होता है प्लस आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका जो होता है रिएजेंट होता है, तो इन दोनों के साथ यदि रिडक्शन होगा तो कौन सा होगा आपका, मीरविन पेनरॉफ और वर्ले रिडक्शन, ठीक है। तो ये तो सारे कौन से थे, फिर आपके हाइड्राइड ट्रांसफर की हमने बात की। अब सेकेंड है रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब क्या है आपका, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होता है चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो इस सी डबल बॉन्ड हो को इसको तोड़ देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन से क्या होता है आपका, जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो जिंक का मलगम और कंसनट्रेटेड HCl है। सेकेंड वन इज वुल्फ किशनर रिडक्शन, क्या यूज होता है इसमें, NH2, मतलब क्या होगा आपका, हाइड्राजीन यूज होता है अलॉन्ग विथ क्या है आपका, बेस होता है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और क्या लेते हैं आपका सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल या DMSO, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या लिए जाते हैं आपके, सॉल्वेंट लिए जाते हैं। तो इनका क्या काम है, समझ में आ रहा, सी डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देना आपका, CH2 में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल यदि ये दिया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ इज इक्वल टू ऊपर लिख दिया जाता है जिंक HG और HCl, तो इट मीन्स क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH2 में, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसका पॉइंट है क्या है आपका, यदि अल्फा डाई कीटोन है, मतलब CO और CO साथ में होते हैं, डाई कीटोन है, और कैसा एक डाई कीटोन है, ये अल्फा दिख रहा है ना, इसके बगल में ही CO है, तो अल्फा डाई कीटोन होता है, उसका किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, वुल्फ किस्नर, मतलब हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, NH2 क्या है आपका, हाइड्राजीन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइन में। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है इसको समझो, यहाँ पर ये क्या है, देखो R CO CR, ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर निकल गया, क्या बन गया फिर आपका, RC डबल बॉन्ड N दिख रहा, RC डबल बॉन्ड N, और बाकी जैसा था ऐसा ही रहा, सिंगल बॉन्ड NHH और C डबल बॉन्ड O, ठीक। फिर क्या हुआ, देखो ये ऐसे पोलराइज हुआ, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, यहाँ से क्या चला जाएगा, H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, OH, ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, देखो RC डबल बॉन्ड CROH और N डबल बॉन्ड N और H हो गया, और फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से H2O निकल गया और N2 free, ठीक, तो नाइट्रोजन गैस निकल गई और H2O आ गया, और क्या बन गया आपके, एल्काइंस। तो ये पता होना चाहिए कि जो डाई कीटोन्स होते हैं अल्फा डाई कीटोन्स, वो क्या देते हैं फिर आपके, एल्काइंस को देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से क्या करते हैं आपका, जो डाई थायोल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं आपका, सी डबल बॉन्ड ओ को किस में कन्वर्ट करते हैं आपका, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ को इसमें कन्वर्ट करते हैं। लास्ट है आपका एंजाइमेटिक रिडक्शन, एंजाइमेटिक रिडक्शन में बेकर्स ईस्ट यूज किया जाता है, बेकर्स ईस्ट क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ को फिर वही किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं आपके, काइरल कंपाउंड बनते हैं, कभी आर बनेगा कभी एस बनेगा, तो कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि आर ही बनता है बेकर्स ईस्ट से या आपका क्या बनता है, एस ही बनता है, किसी केस में आर बनता है और किसी में क्या बनता है आपका, एस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू विसिनल डाई अल्कोहल एंड एल्कीन में, ठीक है, तो क्या होता है, देखो
किसकी, जब कीटोन की रिएक्शन की जाती है मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम मरकरी या एल्यूमिनियम मरकरी के साथ रिएक्शन की जाती है, तो क्या बनाता है, जो डाई कीटोन बनाता है, मतलब विसनल डाई ऑल्स बनते हैं, मतलब पिनेकोल्स बनते हैं, क्या बनते हैं आपके, पिनेकोल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो ये है आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, ठीक, तो क्या हुआ आपका, ये ऐसे पोलराइज हुआ, समझ में आ रहा है ना, कैसे, होमोलिटिक। ठीक, तो आधा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ऐसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो मैग्नीशियम में कैसा चार्ज जाएगा, प्लस टू, और इसमें कैसा चार्ज जाएगा, एक ले रहा है तो माइनस वन, ये भी एक ले रहा है तो माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, देखो ये आर ऐसा ही रहा, सी डबल का सिंगल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना, होमोलिटिक फिशन से आया है नीचे इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, मैग्नीशियम से और आर, तो दो मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, देखो ये आर सी आर, ये एक इलेक्ट्रॉन ओ, ये कैसा है, माइनस वन माइनस वन, ये प्लस टू, तो बनाए बन जाएगा ना ब्रिज, ऐसे ही हो गया। अब क्या होगा, ये सिंगल सिंगल है तो ये क्लोज हो जाएगा सिस्टम, कुछ नहीं हुआ, ये सिस्टम क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब फाइनली क्या करते हैं, एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो ये ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाएगा, ओ एच ओ एच और एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा, ओ एच, तो क्या बन गया, देखो सी आर आर ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी आर आर ओ एच, और जो डाइऑल जो ये होते हैं टेट्रा एल्किल जो डाइऑल्स कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, पिनेकोल, तो क्या बनते हैं आपके, पिनेकोल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और रिएक्शन है जिसमें कि हम क्या करते हैं आपका, अच्छा कौन सी, जब एरोमेटिक, यही रिएक्शन किसके साथ होती है, एरोमेटिक कीटोन होते हैं, तो जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका, टाइटेनियम क्लोराइड मैग्नीशियम और कैटेकॉल से किसमें कन्वर्ट होता है आपका, इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कौन सी रिएक्शन, देखो मैकमरी रिएक्शन, क्या करता है आपका, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और जिंक कॉपर कपल, इनकी प्रेजेंस में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्कीन में, क्या हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एक समरी है, चलो ये मैं लास्ट में कभी डिस्कस करूंगी। अब है इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी ओ एच ग्रुप होता है, इसका जब रिडक्शन किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका, ये है आपका सी ओ एच ग्रुप होता है, जब इसका रिडक्शन किया जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, सी एस टू ओ एच में, पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेंगे, और एल्डिहाइड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कौन से रिएजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, डाइबल है, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड टी एच एफ है, एन ए बी एच फोर, या किसके अकेले, तो टी एच एन ए बी एच फोर रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ, सी ओ एच के साथ एन ए बी एच फोर की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन किसके साथ, एन ए बी एच फोर विथ किसके साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथर, इन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कन्वर्जन होता है सी ओ एच का सी एस टू ओ एच में। तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो क्या है, सिर्फ इतना ही पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिडक्शन ऑफ ईस्टर, इसका डेरिवेटिव है ईस्टर, तो क्या है आपका, सी ओ आर डैश, ये ईस्टर है, इसको किसमें कन्वर्ट होता है हमें पता ही है, ईस्टर किसमें कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल और एल्कोहल। ठीक है, तो क्या है आपका, देखो आर एसिड होना चाहिए, कैसे कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सी ओ एच और ये ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, हाँ सॉरी, एल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, सी एस टू एच और सी एस टू, इधर टूटेगा और इसका भी क्या बनता है, एल्कोहल, और इसका भी क्या बन जाता है आपका, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, जब ईस्टर का होता है तो सी एस टू एच और क्या बन जाता है आपका, आर डैस ओ एच बनेगा। और कौन कौन से रिएजेंट है, क्या है आपका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड है और डाइबल है, इनके साथ क्या होता है फिर आपका, ये किसमें कन्वर्ट होता है, सी एस टू ओ एच में। ठीक, लेकिन क्या होता है आपका, जब सी ओ आर डैस मतलब ईस्टर की रिएक्शन कराई जाती है डाइबल के साथ लो टेम्परेचर पर की जाती है, तो जो ये ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर को क्या होता है आपका, लो टेम्परेचर पर इथॉक्साइड आइन जो होगा वो एज अ लिविंग ग्रुप काम नहीं कर पाता। ठीक, देखो कैसे आपका आर सी ओ ओ आर डेस, ये आपका डाइबल है, लिथियम हाइड्रोजन और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होंगे आपके, तो क्या बनेगा आपका, ये देखो ऐसे पोलराइज सीधे देख लो,
ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव में तो क्या चला जाएगा एच, और ये नेगेटिव में क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम, तो क्या बन जाएगा आपका आर सी एच ओ ए एल, ये ब्यूटिल ऐसे रहेंगे और ये ओ सी टू एच फाइव। ठीक, अब जो ये बनता है आपका ना, ये स्टेबल हो जाता है कैसे में, लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर तो ये यहाँ से टूट जाता है। ठीक, हाई टेम्परेचर पर तो यहाँ से निकल जाता, लेकिन लो टेम्परेचर पर क्या होता है आपका ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस इसका होता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, देखो आर सी ओ एच और एच, और ये स्टेबल था, बना हुआ था। ठीक, उसके बाद जब यहाँ से एल्यूमिनियम निकल जाता है तब ये यहाँ से ग्रुप निकलता है और यहाँ से एच निकल गया, तो क्या बन गया सी टू एच फाइव ओ एच हो गया और क्या बन गया आर सी ओ एच। तो ये पता होना चाहिए डाइबल की लो टेम्परेचर पर, ये पूछी जाती है, डाइबल जब लो टेम्परेचर पर करता है तो ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और हाई टेम्परेचर पर तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वही आपकी इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, किसके साथ, अब एसिड क्लोराइड के साथ। इसमें बहुत ही अच्छी नेम रिएक्शन तुम जानते हो, रोजनमुंडर रिएक्शन है। क्या होती है रोजनमुंडर रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ किसकी, एसिड क्लोराइड विथ किसके साथ करता है, लिंडलार कैटलिस्ट समझ लो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और किसके साथ क्यूनोलिन, और एच टू है तो हाइड्रोजिनेशन करेंगे, या क्या करते हैं आपका एच टू प्लेटिनम ऑक्साइड और थायो यूरिया। ठीक, तो क्या होता है आपका जो ये आपका क्या है